और इस बीच राजधानी दिल्ली से ही एक बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल के करीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस समय यह आ रही है। प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि आखिर दो दिन तक स्वाति मालीवाल चुप क्यों रही, तो बताया ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही नेता और सांसद संजय सिंह के आश्वासन के बाद स्वाति मालीवाल गुरुवार तक चुप रही, लेकिन जब लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव और बेहद करीबी विभव कुमार को देखा गया, तो उसके बाद स्वाति मालीवाल को बेहद गुस्सा आया और तब शिकायत दर्ज कराई गई। संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल को आश्वस्त किया था, लगातार उनके संपर्क में थे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन मालीवाल को शक तब हुआ जब उन्होंने विभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और संजय सिंह के साथ देखा। इससे उन्हें लगा कि कार्रवाई का वादा महज दिखावा भर है, और इसके बाद ही स्वाति मालीवाल ने लिखित रूप में अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा। अच्छा, आम आदमी पार्टी और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसके एक प्रमुख पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है उसके। आपने देखा वो गए थे लखनऊ भी और वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, एक महत्वपूर्ण रैली होने वाली है। क्या उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे? क्या कहना है दिल्ली कांग्रेस का, हम आपको वो सुनाते हैं। केजरीवाल के ऊपर और उनके जो निजी सचिव है उन पर आरोप लग रहा है। निजी सचिव खुद उनके साथ पंजाब घूम रहे हैं, महाराष्ट्र घूम रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपका उनके साथ अलायंस है, कल राहुल गांधी की रैली भी है, क्या उनको न्योता दिया गया? देखिए, अभी आपने कहा आरोप है, आरोप साबित होंगे तो निश्चित ही, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम चाहेंगे अगर कोई आरोप साबित होते हैं तो उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, किसी भी ओहदे पर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जहां तक कल की रैली की बात है, ये हमारी पहले से डिसाइडेड रैली थी, माननीय राहुल गांधी जी इसमें को संबोधित करेंगे। हमने जो भी आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेतागण हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे, और एक अच्छी रैली मैं समझता हूँ कि कल हमारी होगी। लोग क्योंकि राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उन्होंने जो मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है, नहीं वो क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये हमने कोई न्योता दिया नहीं था, और क्योंकि न्योता न देने की वजह यही है कि स्वाति मालीवाल का जो मैटर लगातार पिछले चार दिन से चल रहा है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं छवि डैमेज ना हो, कांग्रेस इसको अपने आप से अलग किनारा करना चाह रही है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा स्टैंड क्लियर है। अगर कोई आरोप किसी के ऊपर साबित होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जहां तक इस रैली में न्योते की बात है, ये पहले से तय थी। सब आप जानते हैं कि पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी अपना चुनाव लड़ रही है, हम कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो समय मिलना जरूरी होता है, सबका आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी था। तो निश्चित ही आज केजरीवाल जी पंजाब में हैं, कल कहीं और उनका प्रोग्राम होगा, इस वजह से वो इस रैली में शायद शामिल नहीं हो। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की निंदा की थी, विभव कुमार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, उसकी बात की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के सामने आते ही पार्टी ने अब इसे एक तरह से साजिश के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल खामोश है। आज इस मामले पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ, 13th को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा,
मगर एक्शन नहीं हुआ, आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए, और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो, बेशर्मी का भी हद है भाई। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई साहब सीएम साहब इस महिला का विषय में आपका क्या कहना है, दोबारा मैं बात उपयोग कर रही हूं सोच विचार करके ही, बेशर्मी और डर के मारे माइक को दूसरी ओर घुमा रही हूं। आप सीएम पद में है जी, अब तक बदसलूकी का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा इस समय बीजेपी में है। स्वाति मालीवाल की पिटाई पर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी में आज तक को दिए गए बयान को महज दिखावा जताया और बताया है, सुनिए। जिस पार्टी की खुद की राज्यसभा सांसद चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में सेफ नहीं है, वो किस नाम पे वोट मांग रहे हैं, किस नाम से आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जिस पार्टी की खुद की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद के कांग्रेस के दफ्तर में सेफ नहीं है, आज वो प्रियंका गांधी किस नाम पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलती है? क्योंकि दोनों के दोनों लगातार महिलाओं को दबाने का काम करते आए हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं, और देश की जनता सब देख रही है। ये सोचते हैं कि रायबरेली की जनता क्योंकि सीधी सादी है तो बेवकूफ है, उत्तर प्रदेश की जनता सीधी सादी है तो बेवकूफ है, बार बार निर्णायक जवाब देती है, और इस बार ऐसा निर्णायक जवाब देंगे कि इनकी अलायंस भी यहां पे ध्वस्त हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी तो शून्य पे आ जाएगी।